मोदी को हराया है वो राम भक्त है। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त है। आते रहे मूल मुद्दे पर नहीं है, कहे कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? चलिए अमित सर, सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं, और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है, आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए आप सबका जवाब देखिए अंजना जी, बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए, बहुत देर तक सुना शांत, बुलडोजर चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में अंजना जी ये उचित नहीं है, अंजना जी एक डेकोरम होता है, मैंने सुना नॉर्मली मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं, ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है, मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा कर आ गए, आप ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी, आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी आप कंट्रोल कर पाएंगी डिबेट को? मुझे जवाब दिया, गृहमंत्री कौन है राजस्थान का? गृहमंत्री कौन है राजस्थान? अच्छी बात नहीं, वहाँ पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे, अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान, बिल्कुल आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते से चुप हो जाइए सर, सवाल की बारी आई है, आपकी बारी में किसी ने आपको नहीं कंफ्यूज किया, प्लीज अपने अपने से प्लीज थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना, प्लीज जवाब सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम जल्दी से। अंजना जी मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा, मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता, जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है वो हमसे सवाल जवाब ना करे। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सोल्यूशन कहां है? दिया ना। नंबर तीन, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है इस देश में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद है, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा, नहीं क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना, क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था अंजना जी, एक बात मैं पूछता हूं आज, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाते हैं? ये भी असली मुद्दा है, बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर गैस ये भी मुद्दे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। अंजना जी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए, जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी, किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब, किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों जानबूझ के आप जामिया मिलिया का नाम नहीं कहेंगे, उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं नहीं खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता, नहीं आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह रहा हूँ, छोटा छोटा जवाब आप जल्दी से। अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते हैं, राउंड राउंड अगेन, अरे गोल गोल घुमाता हूं, AK-47 तो नहीं चलाता हूं। अरे सुनिए भाई, सुनिए थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे मूल मुद्दे पर नहीं है, कहे कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कैसी भाषा है? पर गवारों को कहां से उठाए? यही जवाब गवारों को ये गवार कहीं का आके यहाँ पर गवार नहीं, गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा, नहीं क्या सुनना पड़ेगा? हमने आपको सुना ना, ये आज तक का डिबेट हो रहा है, यहाँ आपको नहीं बोले हैं क्या हो रहा है? अरे आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं, वीडियो गाय का गोबर अच्छा होता है, भाषा पर संयम, मैं गाय के ऊपर हमेशा सुनना पड़ेगा। अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जाने न पावे, काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूँ।
आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में, आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1,00,000 रुपए गरीब महिलाओं को खटाखट, 1,00,000 रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के, इसके अर्थ पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं, जाते वक्त झोला, एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में, एक सेकंड आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला, क्या अभिभूत हूँ आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं, क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए क्या कह रहे हैं आप, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं आपसे, आप अभिभूत हैं। बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है, मत बोलिए आप उल्टी सीधी, बिल्कुल नहीं, जो आप अपनी बात कही, अपनी पार्टी की बात कही, बिल्कुल मेरी पार्टी, जो आपने सकारात्मक एकदम नहीं, अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा, कही थी आपने, बोला आपने, नहीं कही, मैंने भाषा की मर्यादा रखी, बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा, कभी मत तोड़िएगा, आप बता दे रही हूँ आपको, हमेशा से आप किसी झोले वो नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर भदौरिया, सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं, पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी, क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई, जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी, और वोट देने को जनता तैयार है, उसी को आप उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए वो मुद्दों पे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप भी होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पर चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था? देखिए उन्होंने क्या बोला, आपको नहीं सुनाई दिया, भाव गलत है, सुनिए मेरी मेरी बात तो, आपकी आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी, आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात, और बताइए क्या करूं? नहीं आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए, अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत है, लोग भी रहम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 पार जाए, 300 पार आए, प्रधानमंत्री हमारे से मोदी जी बन रहे हैं, खुशी का बात है। अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त है, और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त है। अब बोलते हैं आपकी बार एनडीए सरकार, ये हाल हो गया है, तू तो लेती है, सबको पता है, तू दबके लेती है, क्या बात कर रहे हो, तपा तप लेती है, धक्का धक लेती है रुपया। तो 2019 में सबका विश्वास हुआ, विकास हुआ, ठीक है, और 2024 के बाद अब सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे बकरुद्दीन हो, सबको पिछवाड़े में छुरछुरी जलाया जाएगा। अच्छा। और देख लीजिए अभी बस 200-300 पार आया है बीजेपी का, अभी क्या क्या बोला तूने, देख लीजिए अभी बस 200-300 पार आया है बीजेपी का, अभी कब हो गया ये, कब हुआ कब? उतना ही नहीं, आपका माइक घरघरा रहा है, इतना फटाका बज रहा है, आप सोच, आपका माइक घरघरा रहा है, इतना फटाका बज रहा है, आप सोच किधर जी, 400 पार आ जाता तो आपको कैमरा ब्लास्ट कर जाता, नहीं जी, लिए 400 पार में हम लोग भी रहम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 पार गए, 300 पार आए, प्रधानमंत्री हमारे से मोदी जी बन रहे हैं, खुशी का बात है।